सत श्री अकाल स्पीन न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करती हूं फटाफट अंदाज के विच। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं श्रेणी की अकादमिक साल 2022 दी सालाना प्रीख्या का नतीजा बोर्ड के मुख दफ्तर विखे सिक्ख्या बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉ. रविंदर भाटिया वालों ऐलान दिया गया। इस विच गगनदीप कौर ने 100% अंक प्राप्त करके सूबे भर विचों पहला स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पिछले साल ड्यूटी दौरान सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले तीन भारतीय शांति रक्षकों को मिले सम्मान डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल को प्राप्त किया। यह तमगा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को दिता जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण साहस करतव प्रति समर्पण से शांति की कुर्बानी देकर खुद की एक वक्री पहचान बनाई हुई है। लुधियाना के सिविल हस्पताल जम के गुंडागर्दी हुई है। कुछ शरारती अंसर वालों काउंसलर की कार की भनतोड़ की गई ही कुछ लोगों से हमला कर दिया गया। दरअसल टिब्बा रोड स्थित चरण नगर इलाके में कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान वार्ड नंबर 13 के काउंसलर सरबजीत सिंह अपनी नोवा कार में जख्मियों को सिविल हस्पताल दाखिल कराने लिए आए। इसी दौरान बदमाशा ने सिविल हस्पताल से हमला कर दिया। जदों तक काउंसलर सारा मामला समझ सकया हमलावर ने उसकी कार की भनतोड़ कर दी। मध्य प्रदेश के कूनल नैशनल पार्क में भारत में जन्मे चीते के दो होर बच्चों की मौत ने प्रोजेक्ट चीता एक झटका दिता जो कि देश में चीतों दोबारा वसाने की योजना है। इस तो बाद KNP मरने वाले चीते के बच्चों की गिनती 3 हो गई है। 23 मई में भी पार्क में एक बच्चे की मौत हो गई थी। दसिया जा रहा है कि उसी दिन ही दोपहर में दो होर बच्चों की मौत हुई थी पर उन्होंने मौत की सूचना अगले दिन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के मंत्री रहे सतेंद्र जैन नूं सेहत दे आधार ते जमानत दे दी है। जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच जेल विच बंद सी उस नूं जमानत सेहत दे आधार ते उसकी विगड़ती सेहत नूं सुधारण लई दित्ती गई है। जैन की सेहत पिछले कुछ दिनों तो खराब सी। उन्हें जेल के वाशरूम च बेहोश हो गया सी। इस तों बाद उसनूं LNJP हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। पंजाब सरकार वालों विकास कार्यों ते होर प्रोजेक्टां नूं फुलप्रूफ तरीके नाल शुरू ते पूरा कराउण लई सारे जिलों च डिवेलपमेंट प्लान बनाउण दा फैसला कीता गया। इस योजना तहत प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों संबंधित विभागों तो रिपोर्ट मंगी गई है। जिन्हां विभागों नूं उन्हां वालों मौजूदा वित्तीय साल दौरान करवाए जाण वाले विकास कार्यों की डिटेल डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट प्लान विच शामिल करके भेजण दे लई बोलिया गया। 28 मई नूं नवें संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। इस मौके नूं यादगार बनाउण लई केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वड्डा फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया कि नवें संसद भवन के उद्घाटन को यादगार बनाने लिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के से नवें संसद भवन की तस्वीर से उसका नाम लिखा होगा। नवें संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी नवे पासपोर्ट लिए NOC की मांग को लेकर एवन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को अदालत की तरफों जवाब दाखिल करने लिए कहा गया। स्वामी ने राहुल गांधी ने NOC जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल अक्सर विदेश जाते नहीं तो उन्होंने बाहर जाने नाल उन्हें खिलाफ चल रहे मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स च पुलिस बल ने पुष्टि की कि 13 साल के दो स्कूली बच्चों ने सिडनी विच एक बहुमंजिला इमारत लगी भयानक अग के संबंध में खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस फोर्स के कार्यकारी सहायक कमिश्नर पाल डनस्टन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि असी नौजवानों के एक समूह की रिपोर्टों तो जाणू हां जिन्हों तुरंत बाद अग वाली थां तो भजते देखा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर च हैरान करने वाला मामला सामने। इतने कल्याणपुर की रहने वाली एक 100 साल बुजुर्ग औरत से रंगदारी मंगन के दोष FIR दर्ज हुई है। बुजुर्ग औरत से जमीन विवाद में 10 लाख रुपए रंगदारी मंगन का दोष लगे। पुलिस कार्रवाई तो परेशान बुजुर्ग औरत ने कमिश्नर तो इंसाफ की गुहार लगाई। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार भारतेंद्र सिंह चाहल दी मुसीबतें घट हुंदी नजर नहीं आ रही। विजिलेंस वालों चल रही जांच संबंधी चाहल ने अदालत अगाऊं जमानत की अर्जी दाखिल की। इस पर सुनवाई करदे एडिशनल सैशन जज मनीष अरोड़ा की अदालत ने चाहल की अर्जी को खारिज किया। विजिलेंस वालों भारतेंद्र सिंह चाहल दी वख-वख जायदादों बारे पिछले साल नवंबर महीने जांच शुरू की गई। स्कूलों में दाखिले लिए बनाए गए नियमों के उल्ट जाके ज्यादा विद्यार्थी दाखिल करने वाले निजी स्कूलों से पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की तिखी नजर है। यही कारण है कि बोर्ड ने अजिहे स्कूलों को पत्र जारी करके दो टू कह दिया कि भविष्य स्कूल बिना बुनियादी ढांचे से शर्त पूरी किए ज्यादा दाखिल किए गए विद्यार्थियों के दाखिले को खारिज किया जाएगा तो स्कूल खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार वालों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाल जुड़े पंजाब भर के 38,12,525 राशन कार्डधारी परिवारों के मैंबरों को 3 महीनों तो लैके 30 जून तक की मुफ्त कणक मंडली एलोकेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया। योजना मुताबिक राशन कार्ड दर्ज हर मैंबर 5 किलो प्रति महीने के हिसाब से 3 महीनों की 15 किलो कणक सरकार वालों बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सकत्तर जय शाह ने कहा कि एशिया कप के स्थान का फैसला आईपीएल फाइनल तो बाद होने वाली बैठक च किया जाएगा, जिस च एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चोटी के अधिकारी हाजिर होंगे। पाकिस्तान को इस साल एशिया कप की मेजबानी का अधिकार है, पर भारतीय क्रिकेट टीम केंद्र सरकार की इजाजत तो बिना गुआंढी देश की यात्रा नहीं कर सकती। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जंग आजादी यादगार के मामले के अजीत अखबार के मुख संपादक मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर बलजिंदर सिंह हमदर्द नूं 29 मई नूं पेश होकर जांच शामिल होने लिए कहा। यह कार्रवाई जलंधर विखे उसारी गई जंग आजादी यादगार के फंडा बारे चल रही जांच संबंधी की गई है। बलजिंदर सिंह हमदर्द पद्म विभूषण नाल सन्मानित शख्सियत ने दस दिए कि इस तों जंग आजादी के सकत्तर लखविंदर सिंह जौहल नूं भी विजिलेंस तलब कर चुकी है। फिलहाल स्पीड न्यूज विच बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।